हे हाय फ्रेंड्स, तर आज मी प्रतीककडे आलो आहे आणि आम्ही इथे त्याची जी MT-15 आहे हे बघा माझ्या मागे, तर इचा जो टिल्ट आयडी असतो बॅक साईडचा म्हणजे सीटच्या बाजूचा, तर ते तो चेंज करतो आहे आणि एक नवीन पद्धतीच लावतो आहे, नवीन पद्धतीची इंडिकेटर लावतो आहे. तर आज त्याचं आपण अनबॉक्सिंग करू. त्यानं ते ॲमेझॉनवरती मागवलेलं आहे, काहीतरी 1000 रुपयाला त्याला पडलं आणि त्यानंतर आपण त्याला लावणार आहे गाडीला. तर चला तर मग सुरू करूया. हाय प्रतीक. हाय. चलो भाई खोलो. और ये है हमारी हिमालयन, देख लो ये क्या क्या मिला. अच्छा ये क्या है, टिल्ट वाला राइट? ये इंडिकेटर, इंडिकेटर्स दो इंडिकेटर. भाई साहब तूने तो वो जिगजैग वाला लिया, हार्ड बीट बोलते क्या इसको? सही है. समझ में आया कैसा लगा ना? दिखा भाई क्या सही लग रहा है वो. चलो अभी खोलते इसको. अच्छा नीचे रहता है इसका. वाह 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 वाह, ढक्कन खुल गया पिछवाड़ा. ये वाली जो नट्स है ये हमको खोलना पड़ेगा और इसके पीछे हम लगाएंगे तो ये वाला पूरा सेक्शन निकल जाएगा. गाड़ी प्रतीक बाइक की है, बट वो जो पानी वो सब यूज़ कर रहा है, जो कुछ एक्सेसरीज यूज़ कर रहा है, वो सब अपनी अपनी गाड़ी की है, अपनी हिमालयन की है. भाई खुद की ले लेना. तो हम यहाँ पे ये निकाल दे रहे हैं, ये निकल गया, ये चेंज करेंगे इसको क्या. अब ये चीज़ निकालने के बाद हमें निकालने हैं वायर्स. सो वायर निकालेंगे जो इंडिकेटर वहाँ जहाँ पे हम लगाने वाले हैं वो. तो अभी वो यूट्यूब पे देख रहा है कि कैसे निकालना है क्योंकि हमें पता नहीं है. अभी पता नहीं चल रहा कि कौन सा वायर किस चीज़ का है, तो हमने एक जुगाड़ लगाया, गाड़ी को चाबी लगा दी. अब एक एक वायर निकाल के देखेंगे लाइट कब बंद हो रहा है. तो अभी हम ये यहाँ पे से ये सारे नट निकाल देंगे जिससे बैकलाइट निकल जाएगा. बैकलाइट एक बार निकल गया तो पूरी वायरिंग दिख जाएंगी हमें, और वायरिंग दिखने के बाद फिर ये इंडिकेटर एंड बाकी की चीज़ें हम वहाँ से डिटैच कर लेंगे, निकाल लेंगे. हमसे वो खुले खुल नहीं रहा था, वो ट्राई किया हमने वो खोलने के लिए, बट वो खुल नहीं रहा था बैक साइड वाला जहाँ से लाइक पूरी वायरिंग बाहर निकलती है. तो अभी हम फाइनली थक हार के जा रहे हैं मैकेनिक के पास. अब उसको ही बोलेंगे भाई कुछ कर ले, खोल के दे और बिठा दे. अब आए हम यहाँ पे गैरेज पे और वो अंकल ने बोला कि यहाँ पे लोग अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं करेंगे. तो फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि लाइक हम ही कर लेते, तो बोले ठीक है वहाँ से जो सामान चाहिए ले लो और अपने हाथ से कर लो. तो अभी हाथ से ही करना है आज. अब हमें जो चाहिए वो है टी, सो मे बी दिस शुड वर्क. तो ये 10 नंबर का हमने ले लिया, अभी इसको टी बोलते. यहाँ पे बाजू में लगाया हमने गाड़ी, अब खोल खाल स्टार्ट फिर से नए से. सी कितना इजीली काम हो रहा है. राठौड़ साहब अब होपफुली ये निकल जाएगी, हमसे निकला नहीं था पहले. तो कम ऑन भाई. ओ निकल गया. पी होने का फायदा. अभी ये पीछे का निकल जाएगा पूरा. पकड़ मैं पकड़ रहा हूँ. हाँ ये लास्ट है अपना. वायर निकलना है ब्रो. ये क्या वायर निकल रहा है? नाइस. उसके अंदर से कैसे भेजा? निकी के खींच. ये बहुत ही ज़्यादा फिट किया है तो खींच रहे हैं हम बीच में से, उसको अटक गया. क्या क्या प्लास्टिक व्लास्टिक लगा के रखा है. निकल गया आपके वायर्स और फाइनली पूरा नीचे का पीछे पीछे साइड का पूरा निकल गया विथ नंबर प्लेट. और इट्स क्वाइट हैवी, मेरा हाथ दुख रहा है भाई इतने दूर से पकड़ के रखा है मैंने वो. सो नाउ सी इट इज़ गोइंग टू बी द न्यू लुक ऑफ द बाइक, बिकॉज वो हम फिर से बिठाने नहीं वाले. इसका जो नया स्ट्रक्चर रहेगा वही हम रखने वाले हैं. कैसे लगा ना भाई वो के नीचे से? समझ गया. अभी अब जब हमने यहाँ से निकाला तो इसको नीचे से लगा देंगे और फिर वहाँ पे नंबर प्लेट लगाएंगे इसको. अभी दिमाग लगा रहे प्रतीक साहब कैसा लगाना उसको. इंडिकेटर इन द हैंड, इंडिकेटर लगा रहे यहाँ पे. इनको टेल में इंडिकेटर डाल दिया.
तो अभी दोनों इंडिकेटर लगा दिए तेल को, इसको पहले टाइट कर लूँ। अब थोड़ा टाइट करने का सोच रहे थे, पर टाइट हो जाए फिर हम उनको लगा देंगे। हम तो आज मैकेनिक बन गए। ये हम ले रहे हैं वायर ऊपर, इसका वायर पहुंच जाएगा, उसका कुछ टेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसको टाइट करना है। सो गाइज, अभी सीन ऐसा हो गया है कि ये जो नट है नीचे का, ये इधर के, सॉरी इधर के, ये जो नट है, नट नहीं बोल्ट बोलते भाई इसको, ये जो बोल्ट है उसका सीन ऐसा हो गया है कि वो पूरा वेल्ड कर कर दिया है उन लोगों ने जब दिया था, तो वो वेल्ड वाले हमारे कुछ काम के नहीं, हमको अब नए लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे पूछा हमने गैरेज में कि भाई आपके पास है क्या, तो वो अंकल बोले नहीं है, अभी जा रहे हैं ढूंढने, पता नहीं कहाँ पे मिलेंगे। बोले यहाँ पे दो तीन दुकान है, तो चलो देखते हैं, मिले तो बहुत अच्छा। हार्डवेयर का दुकान मिल जाए, इसके पास है एयरटेल, और ये जा रहा है अभी उसकी बोल्ट लेने के लिए। नट तो हमारे पास है लेकिन बोल्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमें मिल गए, तो अभी वो बोल रहे हैं कि देते हैं, बट थोड़ा साइज़ छोटा मिलेगा, मतलब जो मतलब टोटल जो हाइट रहता है वो नट का वो छोटा रहेगा बोले। तो ठीक है, अभी जैसा मिले वैसा मिले कर लेंगे। काम अभी लगाएंगे उसको। यू कैन डू इट? यस आई कैन, ऑफ कोर्स आई कैन। आ गया ऊपर, वो डाल के लेना, नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, मिल जाता नंबर प्लेट यही पे मिलेगा। रास्ते में तेरे को चार दुकान देखा था मैं। अब ये बचे हुए दो, अबे तू नीचे से देख, नीचे से देख, पॉसिबल ही नहीं ब्रो, इधर से दिख रहा हो। हाँ। और एक यहाँ पे चीज़ मतलब गलती हो गई है कि जो हमें पार्ट मिला था यहाँ पे, वैसे चार होने चाहिए, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा, बट ये देख रहा हो ये होल यहाँ पे है और ओरिजिनल होल ये यहाँ पे है, तो ये दोनों के डिफरेंस की वजह से अभी बिट नहीं पाएगा। तो हमको सिर्फ ये वाला नट और उसके बाजू वाला जो नट है, ये दो नट पे वो बिठाना पड़ेगा। सो सैड लाइफ। ओके गाइस, सो जस्ट वी डिड अ ब्लंडर। ये जो चीज़ है जो सीट के, सीट को मतलब ऊपर होल्ड करके रखती है, लाइट भी नहीं आने देती, हम वो लगाना ही भूल गए। तो अभी ये बिठा लिया है बीच में और इसको हम टाइट करेंगे, थोड़ा थोड़ा लगा लेते, बाकी का इसको बंद गया, बट इसको नीचे से पकड़ना पड़ेगा। ये 10 का लगा दे रहे हैं, पकड़ता मेरे घुमा घुमा और घुमा, बस सेकंड वन। प्रतीक भाई बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा वेट रिडक्शन करेंगे जिससे गाड़ी तेज भागे, तो वो मडगार्ड निकाल रहा है अभी। अगर मडगार्ड निकाल दिया तो पूरा पानी उड़ जाएगा जो पीछे बैठेगा उस पर भी, और जो पीछे से आ रहे हो उसके भी। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप ऐसा करो, मत करना, बहुत खराब। सीम्स लाइक प्रतीक जी ने मडगार्ड टोटली निकाल लिया है। निकाल लिया उतना, मैंने उधर का निकाल लिया, उधर का निकाल लिया क्या? निकाल लिया हाँ। दो है क्या? मैंने एक ही निकाला उधर का, उधर एक ही ब्रो। हाँ एक, एक महीने ही निकाला ऑलरेडी। अच्छा, पूरा मडगार्ड निकाल दिया ब्रो भाई। इसका भी सच्ची में 5-4 किलो वेट है इसका। ये सारी चीज़ें निकाल दी, खतरनाक, पूरा लुक ही बदल गया गाड़ी का। अब सब कुछ पहले जैसा लगाना है। तो भाई इससे पहले अपने को वायर लगाने पड़ेंगे, फिर ये लगाएंगे ना। हाँ तो वायर अभी भी लगाने हैं, तो लगा लेना, क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं लगाना, लगा ले। हाँ बगाता इंडिकेटर लाओ ले, जा इंडिकेटर शुरू करना दूसरा। इट्स हार्ड इन बिटवीन, इट्स लुकिंग गुड, ब्लू कलर बहुत ही सही लग रहा है। सो ऑलमोस्ट पूरा काम हो गया है। इंडिकेटर जो हमें लगाने थे वो इंडिकेटर हमने लगा दिए,
और पीछे का मड गार्ड निकाल दिया। ऑल्सो यहाँ पे जो टेल थी, अगर ठीक से देखो तो पूरा टेल भी निकाल दिया है। तो यू कैन सी ये मड गार्ड है, ये टेल है और ये टेल पे नंबर प्लेट है। तो अभी नया नंबर प्लेट लगाना बनाना पड़ेगा जो हम यहाँ पे लगाएंगे। एक बार नंबर प्लेट बन गया तो यहाँ पे लगा देंगे उसको, तो थोड़ा सा झुका कर। सो पूरा एक न्यू लुक हो गया बाइक का। ओके सो अपना बोरिया बिस्तर उठा के हम चले घर पे। इतने में ही खुश, तो चलो बॉयज मिलते हैं बाद में। और ये हमारी एम टी, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। और जाओ मत, पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा कमेंट वमेंट मारो, थोड़ी प्रतीक को गाली दो, बाय।